हेलो स्टूडेंट मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो ए टू जेड बताएगी हमें सीए के कोर्स के बारे में वैसे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं बिल्कुल ही डिटेल में सीए की स्टार्टिंग से एंड तक के लिए कवर करूं तो इस वीडियो में मैं सी फाउंडेशन को मेनली कवर करने वाला हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ पास आउट के बाद वो ज्यादातर सी ए फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में उन्हें नॉलेज कम होती है तो सी ए फाउंडेशन की थोड़ोली नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो में और थोड़ा आगे इंटरमीडिएट और फाइनल के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा जिसमें मेन फोकस जो होगा वो इंटरमीडिएट और फाइनल पर होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और वो इंटरमीडिएट uh, से स्टार्ट करते हैं आज जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा आपने पसंद करी है वीडियो ये है जिसमें मैंने ये बताया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है या नहीं और एक सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने वो भी वीडियो बनाया है स्टडी मटेरियल ऑर्डर कैसे करना है एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सी स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाऊँ और तो कई बार तो इस वीडियो को देख स्टूडेंट जब लास्ट डेट होती है एग्जाम फॉर्म फिल करने की तो उसमें तो कई बार रात को मेरे बार इस बार रात को दस दस ग्यारह ग्यारह बजे तक कॉन्टेक्ट किया स्टूडेंट ने बोला कि सर हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और लास्ट डेट है और उनके ब्याह पर मैंने फॉर्म फिल किया इवन उन्होंने मुझे विश्वास करते हुए अठारह हज़ार रुपए तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए और फिर मैंने उनका फॉर्म फिल करा तो काफी अच्छा लगता है दूसरे की हेल्प करने से और आपको भी अगर मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ बेनिफिट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में जो हम काम कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है तो चलिए देरी नहीं करते हैं और हम शुरुआत करते हैं वीडियो की के बारे में बिल्कुल डिटेल नॉलेज जो कहीं नहीं मिलेगी मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ ट्वेंटी फाइव ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में बता सकता हूँ कि कैसे सी के स्टार्ट करना है क्या क्या बातें उसमें होती है जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा था मैं आपको दिखा दूं तभी मेरे पास एक मैसेज आया अभी अभी कि ऐसे मेरे पास हजारों मैसेज आते रहते व्हाट्सएप मैसेज और इवन जो मेरी वीडियो है उसके अंदर भी मोर देन 500 या 1000 के आसपास लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने फो, फोन से स्कैन करके अपलोड कर सकता हूँ या नहीं ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट पूछते रहते हैं तो मैं उसका जवाब भी देता रहता हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे आई के बारे में और सीए कोर्स के बारे में चलिए आ गए हैं हम आ, कोर्स के बारे में ये प्रोस्पेक्टस है और सीए का प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया है सीए ए साइड से 2023 वाला है अभी तो 2024 है तो जो चेंजेस इस दौरान हुए हैं वो केवल एक ये हुआ है कि अब फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के तीन बार एग्जाम हो जाएंगे दो बार की जगह वो मैं बता दूंगा बाकी और कोई चेंज नहीं है क्योंकि अपडेटेड है जो चेंज होने के बाद ही आया था वही प्रोस्पेक्टस है ये इस समय लेटेस्ट अवेलेबल है इससे ज्यादा बाद में कोई भी प्रोस्पेक्टस अपलोड सी इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है तो आ, हम आते हैं सी इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं कि जो सी का इंस्टीट्यूट है ये स्टेचुरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है और ये कई कंट्रीज में फोर्टी सिक्स कंट्रीज चैप्टर्स हैं फॉरन चैप्टर्स तो कई कंट्रीज में अवेलेबल है FCA का कोर्स और इंडिया के अंदर इनकी वन सिक्सटी एट प्रजेंट है प्रजेंट uh, टाइम में ब्रांचेज हैं और ये वेस्टर्न रीजन जो है ये वेस्टर्न रीजन है इसमें थर्टी सिक्स है साउथ रीजन में फोर्टी फाइव ब्रांचेज हैं ईस्ट में थर्टीन है फिफ्टी सेंट्रल रीजन में है और ट्वेंटी फोर नॉर्थन रीजन में है तो ये सब बता रखा है पांच रीजनल ऑफिस हैं इसके साउथ में चेन्नई कानपुर है सेंट्रल कोलकाता है ईस्ट में मुंबई है वेस्ट में और न्यू दिल्ली है नॉर्थ के लिए तो ये सब इनके ऑफिसज़ हैं यहाँ से आप समय समय पर जहाँ पर आप रहते हैं जो एड्रेस देते हैं उसके हिसाब से आपका ये ऑफिस या जो सेंटर है ये अलॉट होता है और आप यहीं से कोरोस्पॉन्डिंग आप अपनी बातचीत करते हैं जो भी कम्युनिकेट होता है आपका यहीं से होता है सीए के कोर्सेज बहुत सारे हैं मेन हमारा जो फेमस है सीए वो आईसीआई वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के लिए फेमस है बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं हम उसके बारे में अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं तो सीए के बारे में हम जो बातचीत करने जा रहे हैं डिटेल में में एजुकेशन कैसे होगी और ट्रेनिंग कैसे होगी ये हमारे पास है कि यहाँ पर तीन हमारे पास आ, लेवल है इसके सी फाउंडेशन ये फर्स्ट लेवल है फिर इंटरमीडिएट आएगा और लास्ट में फाइनल आएगा तो तीन स्टेज है स्टेज नंबर वन फाउंडेशन स्टेज नंबर टू इंटरमीडिएट एंड स्टेज नंबर थ्री फाइनल तो एंट्री रूट टू सी ए कोर्स अगर आप सी ए करना चाहते हैं तो आप कैसे एंट्री कर सकते हैं तो जनरली ट्वेल्थ के बाद आपका एंट्री ओपन होता है एंट्री रूट टू सी ए कोर्स में फर्स्ट एंट्री है आपकी रूट नंबर वन फाउंडेशन कोर्स आप करिए फाउंडेशन एग्जाम दीजिए और उसको क्लियर करने के बाद में आपकी सी में एंट्री एक तरीके से हो गई आप कह सकते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम है वैसे ये फर्स्ट स्टेज है सी तो ये एंट्री है सी कोर्स के लिए जो ट्वेल्थ के बाद आप सी में एंट्री करना चाहते हैं इस रूट से आप टेंथ पास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं बोर्ड ऑफ स्टडी से स्टडी मटेरियल आ जाएगा बट एग्जाम आप ट्वेल्थ के बाद ही दे पाएंगे तो रजिस्ट्रेशन टेंथ के बाद आप कभी भी कराइए बट आप एग्जाम ट्वेल्थ के बाद ही दे पाएंगे तो स्टेप्स अंडर फाउंडेशन रूट स्कीम क्या है आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और चार महीने वेट करना चार महीने के बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और जो तीन बार एग्जाम होते हैं मई जून में कह रहे हैं ये सितंबर में कह रहे हैं और जनवरी में कह रहे हैं अभी तक जो होते थे ये वीडियो बनाने से पहले आज तक दो बार ये एग्जाम हुए हैं बस जून में और दिसंबर में एग्जाम होते हैं बट अब पहली बार सितंबर में एग्जाम होने जा रहा है तो सितंबर जनवरी और आगे मई जून लिखा है पता चलेगा नेक्स्ट ईयर की मई में, में जून में कब होते हैं बट ये तो तय है कि एग्जाम सेप्टेम्बर में होंगे और जनवरी में होंगे तो अगर आपने फर्स्ट मे तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है सी कोर्स में तो आप सेप्टेम्बर का पेपर दे पाएंगे तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट बात है अगर आपने फर्स्ट में क्योंकि चार महीने तभी होते आप ने क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधा ऐसा है फर्स्ट में मे का मतलब होता है फिफ्थ मंथ और फिफ्थ मंथ में चार महीना ऐड करिए तो नाइन मंथ आता है मतलब सितंबर। तो आप कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट मे तक रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप जनवरी के लिए कराना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आपने फर्स्ट सेप्टेम्बर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर चार महीने आपको स्टडी के लिए मिल जाएंगे आप अः जनवरी का एग्जाम दे पाएंगे तो लास्ट डेट फॉर जनवरी एग्जाम वो है हमारे पास फर्स्ट सेप्टेम्बर तक आपने रजिस्ट्रेशन कर और फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनवरी आपका डेट हो जाएगा फर्स्ट मई में, में एग्जाम होंगे तो फर्स्ट जनवरी लास्ट डेट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन मे एग्जाम के लिए अगर मई में एग्जाम होते हैं तो अगर जून में एग्जाम होंगे तो फर्स्ट फेब तक आप करा पाएंगे तो ये तो हो गया आप रजिस्ट्रेशन कराइए फाउंडेशन का और उसके बाद एग्जाम फॉर्म होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं और भूल जाते हैं एग्जाम फॉर्म एग्जाम फॉर्म भी फिल करना होता है एग्जाम से दो महीना पहले दो तीन महीना पहले तो वो एग्जाम फॉर्म फिल करना है यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है और एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देना है और उसे क्लियर करना है क्लियर करने के लिए क्या होगा फाउंडेशन एग्ज़ाम में कितने पेपर होंगे वो सब अभी मैं बताऊंगा उसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है इंटरमीडिएट कोर्स और जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम क्लियर करने और फाउंडेशन के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है अलग से और उसकी फीस वगैरह क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा आठ महीना लगता है आठ महीने के बाद में फिर सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम होते हैं उसके भी एग्जाम देने से पहले आपको उसका एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा अपियर करना होगा दोनों ग्रुप क्लियर करने होंगे दोनों ग्रुप क्लियर करने के साथ साथ इंटीग्रेटेड कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल पर जिसे आई बोलते हैं वो कंप्लीट करना होगा वो सी की ब्रांचेज में ही होता है और फिर सी प्रैक्टिकल दो साल की ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी दो साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको आ, Uh, मतलब दो साल की ट्रेनिंग शुरू करनी है जो आपका फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने के बाद और ये जो आ, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है पंद्रह दिन के लिए होता है ये आ, दो से छः से आठ घंटा डेली बेसिस पर होता है और पंद्रह दिन के लिए रहती है ये आपको सी के ब्रांच में जाना पड़ता है इसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है और ये कंप्लीट करने के बाद में फिर आप दो साल की ट्रेनिंग सी ए के यहाँ शुरू कर सकते हैं और सी फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसके बाद आपको चार सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने पड़ेंगे ऑनलाइन असेसमेंट करना पड़ेगा ये नया है ऐड हुआ है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ में करनी पड़ेगी फिर जब फाइनल में आप आएंगे तो एडवांस आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फाइनल एग्जाम देने से पहले ठीक है तो एक ट्रेनिंग इंटरमीडिएट एग्जाम देने के बाद देनी है और एक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग है जो आपको फाइनल के एग्ज़ाम देने से पहले करनी वो सब भी मैं अभी लिख कर डिटेल में बता दूंगा अप्लाई फॉर फाइनल एग्जामिनेशन फिर एग्जाम फॉर्म फाइनल का करना है फिर अपियर इन फाइनल एग्जाम आफ्टर कम्पलीटिंग सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो दो साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी छह महीने का वेट करना पड़ेगा तो फाइनल के एग्जाम देने के आपको फिर दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे आप एक एक करके भी दे सकते हैं या दोनों एक साथ और उसके बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे आप चाहें तो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद भी आप एक बी ए ए सर्टिफिकेट ले सकते हैं इंटरमीडिएट के बाद और दो साल की ट्रेनिंग करने के बाद एडवांस ट्रेनिंग uh, करने के बाद कि कि भैया फीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन मॉड्यूल देने के बाद फाइनल नहीं करना हमें तो वो भी एक अपने आप में वैल्यू वाला रहता है अभी मैं फाउंडेशन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ रूट नंबर टू की बात कर लेते हैं डायरेक्ट एंट्री जो ग्रेजुएशन करने के बाद में आप कर सकते हैं तो रूल नंबर टू है डायरेक्ट एंट्री आईसीआई कहता है कि कैंडिडेट इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आ सकते हैं अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है विद 55 परसेंट अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट क्यों लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि अगर मान लिया ग्रेजुएशन में आपके लेस देन फिफ्टी मार्क्स हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में फिफ्टी से ज़्यादा है या फिफ्टी है तो आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू इंटरमीडिएट पर आ सकते हैं तब आपको फाउंडेशन के एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे या आपने अगर और कोई ग्रेजुएट है अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है तो मतलब आप आर्ट स्ट्रीम है या कोई और साइंस स्ट्रीम के हैं वो भी कर सकते हैं तो आपको मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए होंगे और आपको एंड इंटरमीडिएट लेवल पास कैंडिडेट ऑफ या तो ये है या एक सीए की तरह एक सीएस के नाम से कोर्स होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का उसका अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है तो आपको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है इसी तरह एक सी एम ए होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट उसका भी इंटरमीडिएट अगर आपने कर रखा है तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं कैंडिडेट वो आर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स और उनके मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स हैं तो वो रिकोगनाइज uh, यूनिवर्सिटी uh, की लिस्ट इन्होंने बता रखी है इंक्लूडिंग ओपन यूनिवर्सिटी बाय स्टडिंग एनी थ्री पेपर कैरिंग ये uh, बता रखा है कि भैया हर सेमिस्टर में कम से कम तीन पेपर होने चाहिए है ना और हंड्रेड मार्क्स और मोर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कंसर्न कोर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑडिट लॉ कॉरपोरेट लॉ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट टैक्सेशन कॉस्टिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सब टाइटल्स बता रखे हैं ये सब होने चाहिए अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं माने जाएंगे तो आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे तो ये सब बता रखा है या वही सी एस का इंटरमीडिएट मतलब जिसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं वो क्लियर कर रखा हो या आपने द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट और बाय कंपनी सेक्रेटरी का आपने इंटरमीडिएट लेवल का मतलब प्रोफेशनल बोलते, बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बोलते हैं सीएस में और कॉस्ट अकाउंटेंट में उसे इंटरमीडिएट ही बोलते हैं वो क्लियर कर रखा हो तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली इंटरमीडिएट में आप आ जाएंगे अगर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के और या पोस्ट ग्रेजुएशन के तो आप एलिजिबल हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स में लेकिन कन्फर्मेशन तभी होगी जब आप फाइनल जो मार्कशीट आएगी उसमें मार्क्स फिफ्टी या सिक्सटी जो भी रिक्वायर्ड है वो आप फिल कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाएगा इफ द कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर मिनिमम मार्क्स एज मैं मान लिया आपने अभी फाइनल ईयर में है आपके 55 परसेंट नहीं आए ग्रेजुएशन में है, और आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया तो अब आप बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट इज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल के नाम से रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा

पॉलिसी होगा उस हिसाब से वो रिफंड कर देंगे जितना भी उनका रिफंड करने का हिसाब बनता है ठीक okay, है तो स्टेप्स क्या है डायरेक्ट एंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ स्टडीज फॉर इंटरमीडिएट कोर्स फाइनल ईयर में है uh, तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आठ महीने का टाइम लगाइए पढ़ाई लिखाई के लिए और फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल करिए और फिर एग्जाम में अपियर करिए जैसे फाउंडेशन के बाद होता है बिल्कुल वही होगा फिर आप आईटी ट्रेनिंग करिए और रजिस्ट्रेशन कराइए दो साल का सीए के यहाँ और फिर वही है दो साल का कंप्लीट करिए सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करिए फिर उसका एग्जाम फॉर्म कंप्लीट करिए एडवांस कोर्स का ट्रेनिंग करिए छह महीने का गैप लीजिए वही सारा काम जो पहले हमने पढ़ा है सेम है तो कहने का मतलब डायरेक्ट एंट्री भी है अब हम बात करते हैं पेपर्स पेपर्स फाउंडेशन लेवल पर पेपर्स क्या होते हैं तो ये वीडियो तो अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सभी के लिए आ, हेल्प करने के लिए बन जाएगा फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल सब के लिए फाउंडेशन लेवल में हमारे चार पेपर हैं अकाउंटिंग जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बिजनेस लॉ जो सब्जेक्टिव होता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड क्वाइंस बोल देते हैं जिसको लेकिन इसके अंदर क्या रहता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है लॉजिकल रीजनिंग है एम सी क्यू है ये, है।, ये, वाला जो है, ये है और ऐसे ही इकोनॉमिक भी आपका क्यू है तो ये 120, ये दो दो घंटे का रहता है और पासिंग क्राइटेरिया वगैरह भी हम देख लेंगे इंटरमीडिएट लेवल में दो ग्रुप है आपके फर्स्ट ग्रुप में पेपर वन एडवांस अकाउंटिंग पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ पेपर थ्री में टैक्सेशन जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स रहता है फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स का पेपर फोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर फाइव ऑडिटिंग एंड एथिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट बी मैनेजमेंट तो ये हमारा अलग अलग है फाउंडेशन और इंटरमीडिएट ये सब के सब हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं जो फाउंडेशन के बैचेस के टाइमिंग है हमारे पास दो बैचेस रहते हैं एक बैचेस टू थर्टी पी टू फाइव तो पी रहता है और एक बैच हमारा इवनिंग स्टूडेंट के लिए फोर पी एम टू सिक्स पी एम रहता है इस बैच में हम लोग थ्री मंथ्स में कोर्स को कवर करते हैं और इसमें हमें सिक्स मंथ्स लग जाते हैं कोर्स फाइव टू सिक्स इंटरमीडिएट का भी बैच हमारे यहाँ चलता है ग्रुप वन का मॉर्निंग में नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी चलता है नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी हमारा ये चलता है जिसे हमारे फाइव टू सिक्स मंथ्स कंप्लीट करने में लगते हैं और जो ये है हमारा 11 ए एम टू pm पी एम लगभग टू थर्टी पी एम ग्रुप टू के लिए हमारा चलता है ये ग्रुप वन के लिए ये हमारे फाइव टू सिक्स मंथ्स लगते हैं अच्छे से कंप्लीट करने के लिए तो ये सब हमारे चार टाइप की क्लासेस हम अवेलेबल कराते हैं जिसमें हमारी ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस रहती है ऑनलाइन क्लास रहती है लाइव क्लास इसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है अवेलेबल और प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी रहते हैं ये सभी टाइप की क्लासेस रहती है आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी है जो आपको नया है ये भी हम आपको करने पड़ेंगे खुद स्टडी करके सेट ए है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक्स लो है ये कंपलसरी है आपको देना ही देना है सेट बी है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये भी कंपलसरी है सेट सी है इसमें आपको एक चूज uh, करना है कोई सा भी मॉड्यूल इन सब में से फॉरक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट फाइनेंशियल वैल्यूशन आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल टैक्सेशन सस्टेनेबल रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ अवेलेबल है एंड डी है टूअर्ड डेवलपमेंट इन ट्रेड्स सी ए स्टूडेंट एंड इनकॉर्पोरेटिंग मल्टी अप्रोच चूज एनी वन मॉड्यूल इसमें भी वन मॉड्यूल आपको चूज तो ये सब करने के बाद आप फाइनल लेवल पर आते हैं फाइनल लेवल में आपके तीन पेपर जो है आ, फर्स्ट ग्रुप में है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले चार थे अब तीन कर दिए हो सकता है मैंने गलती से पहले कहीं बोल दिया चार है एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स है पेपर फोर में डायरेक्ट टैक्सेस है एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है इनडायरेक्ट टैक्सेस है और पेपर सिक्स इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन है ये आपका ओपन बुक एग्जाम हो जाता है इसमें आप बुक भी ले जा सकते हैं कुछ बता रखा है स्किल मैनेजमेंट ये इतनी ज्यादा आपके मतलब कि अभी बातचीत नहीं है अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये सारा जो बताया अभी अभी हमने इसको अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले फाउंडेशन रूट पर आप टेंथ के बाद कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बट आपका जो एग्जाम होगा वो मे सेप्टेम्बर और जनवरी में होगा चार महीने का टाइम पीरियड चाहिए आप ट्वेल्थ के बाद होगा और जब आप ट्वेल्थ हो सीए फाउंडेशन का कोर्स पूरा कर लेंगे तो आप इंटरमीडिएट के लिए आ जाएंगे डायरेक्ट एंट्री में क्या हो सकता है आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं फिफ्टी परसेंट के लिए या अदर अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो यू मिनिमम और या फिर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट डीएमए का इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है या कॉज कंपनी सेक्रेटरी का एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर रखा है तो भी आप सीधा इंटरमीडिएट के लिए आ सकते हैं अब रजिस्ट्रेशन फाइनली एंड में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको आठ महीने के लिए वेट करना पड़ेगा और आपको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स पूरा करना पड़ेगा जो आप सीए की ब्रांच से ही होता है और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो आपको सी ए फाइनल में रजिस्ट्रेशन कराना है और दो साल की ट्रेनिंग शुरू करनी है दो साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है वो जो अलग से मॉड्यूल ऑनलाइन थे वो भी देने हैं और उसके बाद में फिर आपको एडवांस आई टी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना है और उसके बाद आप या तो बिजनेस अकाउंटेंट एसोसिएट के नाम से सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए कि आपको फाइनल नहीं करना है या आप फाइनल के लिए जाइए छह महीने का वेटिंग पीरियड है और फाइनल के एग्जाम दे दीजिए ठीक है तो फाइनल के एग्जाम देंगे तो उसमें आप आप सर्टिफिकेट लेने के के बाद भी फाइनल एग्जाम पे जा सकते हो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी आपको और फाइनल के एग्जाम क्लियर करिए और मेंबरशिप के लिए, लिए अप्लाई करिए और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो ये पूरा रूट है अब हम फाउंडेशन कोर्स के बारे में डिटेल में बात कर हैं अब ये इसलिए मैं कह रहा था ये वाली वीडियो फाउंडेशन वालों के लिए स्पेसिफिकली है लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं सभी के लिए एक साथ बना लेता हूँ अदरवाइज मुझे अलग से इंटरमीडिएट वालों के लिए बनाना पड़ेगा तो मैं फाउंडेशन इसमें डाल देता हूँ और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट स्किप करके आगे वीडियो देख लेंगे इंटरमीडिएट के लिए तो फाउंडेशन कोर्स अगर हम बात करें तो टेंथ के बाद हमने बात करी रजिस्ट्रेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए मैं आपको एक डिस जो है लिंक में आपको एक, एक, एक लिख दूंगा एक वीडियो बना रखा है मैंने कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है ये फाउंडेशन कोर्स में तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का वहाँ से उसकी हेल्प ले सकते हैं और आपको स्टडी मटेरियल कैसे अप्लाई ऑर्डर करना है फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए अलग से पैसा नहीं देना होता है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप उसे देख लीजिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए सेल्फ सर्विस पोर्टल पर आपको जाना है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालने हैं उसके लिए इस uh, uh, पर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और बाद में जब आपके पास uh, एक मेल आता है सी इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल के लिए रजिस्ट्रेशन के एक आध हफ़्ते बाद तो फिर यहां पर जाकर आपको उसको अप्लाई करना होता है फाउंडेशन कोर्स में जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रहती है नाइन थाउजेंड रुपीज अगर स्टूडेंट है तो सेवन हंड्रेडर सब्सक्रिप्शन जनरल वन ईयर का ऑप्शनल है कोई करने की जरूरत नहीं है कोई फंड नहीं पड़ता है आता भी नहीं है पर तो इसको आप मत करिएगा केवल नौ हजार रुपए में आप रजिस्ट्रेशन कराइएगा ठीक है कैंडिडेट फ्रॉम द यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू जे एंड के एंड लद्दाख नॉर्थ ईस्ट स्टेट वीवन सेवेंटी फाइव परसेंट कंसेशन इन रजिस्ट्रेशन कोर्स फॉर फाउंडेशन दैट इज टू टू फाइव जीरो देना पड़ेगा uh, ठीक है और कंसेशन हैज बीन एक्सटेंडेड नाउ 25 तक मेरे पास कल सिक्किम से आया था कल और वो तो कह रहा था कि उसका हाँ ऐसे डिस्काउंट में हुआ है काफी सस्ता ठीक है तो उसके अलावा आप टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल में स्कॉलरशिप एंड फी कंसेशन के बारे में देख सकते हैं सिलेबस की बात करें फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस देखें तो एक अकाउंटिंग का पेपर होगा इसमें इलेवंथ ट्वेल्थ के चैप्टर्स हैं तो उनका लेवल थोड़ा अच्छा है और बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो इलेवंथ ट्वेल्थ में नहीं थे तो बिल्कुल आप मत सोचिए कि किलेवन ट्वेल्थ का पढ़ के बिना जैसे और सी यू टी वगैरह के एग्जाम आप दे देते तो इसको भी आप दे देंगे तो ये नहीं चाहिए इसके लिए प्रॉपर आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये इलेवंथ वाला है अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस

ऑफ एक्सचेंज अब तो कराते नहीं है इलेवंथ में तो ये भी आपके लिए नया ही होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल ऑफ सोल में दो चार एडजस्टमेंट इसमें इसमेंट आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कई बार ट्वेल्थ में होता है कईयों में कई बार नहीं भी होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से भी आते कभी स्टूडेंट सी बी एस ई आई सी एस ई से बोर्ड आई एस सी बोर्ड से नहीं आते तो इसलिए uh, अभी अभी मेरे पास एक झारखंड का स्टूडेंट आज

पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन है लेकिन इसमें कुछ नया है वो आपने जो पहले कभी नहीं पढ़ा है ट्वेल्थ में तो बिल्कुल भी नहीं डिसोल्यूशन में गाना वाला uh, टॉपिक होता है वो आपने नहीं पढ़ा वो भी है और एक अलग चैप्टर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक नया चैप्टर है कंपनी अकाउंट में शेयर्स एंड है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा उससे रिडेमशन ऑफ प्रोफेंशियर नहीं पढ़ा है रिडेमशन और डिवेंचर भी आपने नहीं पढ़ा है उसका लेवल आ, अच्छा हो जाएगा यहाँ पर और ओनर शेयर और राइट right शेयर की अकाउंटिंग भी नहीं पढ़ नेक्स्ट आता है बिजनेस लॉ पर बिजनेस लॉ भी आपने इलेवन ट्वेल्थ में जनरली नाइन्टी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्या है कोर्स बहुत ज्यादा है इसके बाद आता है मैथमेटिक्स uh, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है उनको या कोर मैथमेटिक्स उसके काफी चैप्टर मिलते जुलते हैं और इसका लेवल 11, 12 से ऊपर नहीं है तो अगर 11, 12 में अपियर तो या या होने के लिए आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है और, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और का सब्जेक्टिव था, 100 100 मार्क्स का 40 इंडिविजुअल में चाहिए पासिंग मार्क्स और 50 परसेंट ओवरऑल चाहिए पासिंग मार्क्स

APGP मतलब Arithmetic Progression and Geometric Progression आएगा, that's Relation, Functions, Basics of Limits and Continuity Functions, Basic Application of Differential and Integral ये भी आएगा। Trigonometry नहीं है कहीं पे भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। Logical Reasoning अगर हम बात करें तो Logical Reasoning है जो आ, 20 marks के आएगी इसमें Number Series है, Coding, Decoding, Outman Out डायरेक्शन है सीटिंग अरेंजमेंट है ब्लड रिलेशन है सिलोजिज्म था पहले वो हटा दिया गया स्टैटिस्टिक्स में 40 मार्क्स का रहेगा जिसमें स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन सैम्पलिंग सैम्पलिंग आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड डिस्पोजन, मीन मोड मीडियन जोमेटिक मीन हारमोनिक मीन और मीन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डन रेंज कॉफी क्वार्टर डाइविशन वगैरह सब कुछ है प्रोबेबिलिटी uh, है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा नहीं होगा इसमें तीन है बाइनोमियल एंड एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोरिलेशन इंडेक्स नंबर नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कोर्स काफी बढ़ा दिया है बहुत ही ज़्यादा इसमें फिफ्टी परसेंट ऐसा है जो एलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा है फिफ्टी परसेंट ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है तो ये सब्जेक्ट है जिसमें आप डिटेल देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस भी इसमें आ गया है अब फाउंडेशन में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है चार महीने का वेट करना है रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आ, से पहले, लेकिन, आ, दो महीना पहले दो ढाई महीना पहले एग्जाम फॉर्म फिल करना है और एग्जाम में अपियर होना है आपको ठीक है तो ये बात हम पहले बात कर चुका है रिक्वायरमेंट पासिंग मिनिमम फोर्टी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और टोटल ओवरऑल फिफ्टी चाहिए आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो सीनियर सेकेंडरी ट्वेल्थ के इक्वेलेंट है वो कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या है वो मैं आराम से स्क्रोल कर रहा हूँ आप अपना देख करके उसको पोज वीडियो को पोज करके चेक कर सकते हैं आप जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब आईसीआई इन सबको मानता है कि ये ट्वेल्थ के इक्वलेंट है ये भी है ठीक है तो इन सबको ट्वेल्थ के इक्वलेंट आईसीआई मानता है ठीक है अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स की तो इसमें एग्जाम क्लियर करना है और उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स आ जाएगा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए दो रूट है एक तो फाउंडेशन कोर्स के बाद और एक डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट एंट्री में हमने पहले भी बात की फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए कॉमर्स है और नॉन कॉमर्स है तो आपको सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए या या आप सी एस से एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आते हैं दोनों ग्रुप दोनों तीनों मॉड्यूल जितने भी हैं और कॉस्ट एन सी एम ए का इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करके आते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो कन्वर्जन टू डायरेक्ट एंट्री रूट अगर फाउंडेशन uh, में सपोज किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है बट फाउंडेशन क्लियर हो नहीं रहा और ग्रेजुएशन इतनी देर में हो गई है तो आप अपने कोर्स को शिफ्ट uh, कन्वर्ट करा सकते हैं डायरेक्ट एंट्री के थ्रू तो, और इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है जो मैंने पहले का मैं लिंक शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन इंटरमीडिएट का कैसे कराना उसका भी उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है तो रजिस्ट्रेशन फीस है अठारह हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पंद्रह हज़ार है एक्टिविटी फीस टू थाउजेंड है और आर्टिकल असिस्टेंट के लिए वन थाउजेंड और अगर आप यूएस डॉलर में पेमेंट करेंगे तो वन थाउजेंड डॉलर की यहाँ पर अगर आप कहीं है जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लद्दाख में तो आपको 75 वे ऑफ मिलेगा और आपको केवल सब्जेक्टिव की बात करें तो नंबर वन पेपर आता है एडवांस अकाउंट जिसमें सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएंगे आपके सामने लिस्ट है कंपनी अकाउंट में स्केड थर्ड कंपनी सेट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पी के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है ऑफ सिक्योरिटी है और री अमल कमीशन एंड इंटरनल रिकनशन है ब्रांच है इंक्लूडिंग फॉरन ब्रांचेस इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ब्रांच सब है कॉरपोरेट एंड अदर लॉज भी आ जाएंगे एक्सटेंशन जो आपने पहले पढ़ा था फाउंडेशन में उसका एक्सटेंशन है कंपनीज एक्ट और लिमिटेड एक्ट उसके अलावा अदर भी हैं जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स द एक्सचेंज फेमा भी है टैक्सेशन के दो पार्ट है इनकम टैक्स एंड जीएसटी तो अगर आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स पढ़ रखा है तो आपको का लेवल आपको लगे कि हमने तो पढ़ रखा है तो इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमने जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है उससे डबल ट्रिपल लेवल हो जाएगा ये मैं डरा नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ आप अच्छा खासा हो जाएगा उसके अलावा वो सेट ऑफ कैरी फॉर क्लबिंग डिडक्शंस आई टी फाइल कैसे करना है और टी ये सारी चीज़ें आ जाएगी एडवांस टैक्स जीएसटी है जीएसटी का कोर्स भी बहुत ही ज्यादा हम बोल बोल के थक जाते हैं जब हम पढ़ाते हैं जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है पेपर नंबर फोर आ गए हम ग्रुप टू में और ये पहले ग्रुप वन में होता था अब ग्रुप टू में आ गया है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन मेटीरियल लेबर ओवरहेड्स और एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाता है और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग जिसे कॉशिट कहते हैं जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट सर्विस कास्टिंग जिसे हम uh, जिसमें हम सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग भी आ जाती है और रिकाउंसलेशन uh, आ जाता है सर्विस कास्टिंग का ऑपरेटिंग कास्टिंग भी बोल देते हैं मेरे माइंड से नाम स्लिप हो गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है जिसमें हम वेरियंस एनालिसिस करते हैं

देख सकते हैं आप बहुत ही ज्यादा ऑडिट किसे बोलते हैं जब हम जब चार्टर्ड या आप आर्टिकल क्लर्क कहीं जाकर चेकिंग करते हैं अकाउंट की तो उसे ऑडिट बोलते हैं तो इसे करने से आपको पता चलेगा फिर एफ एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है जिसमें फिफ्टी मार्क्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं और इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल बजटिंग डिविडेंड लिवरेज ये सारे चैप्टर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज पढ़ते हैं और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रिसीवेबल मैनेजमेंट ये सब कुछ पढ़ते हैं और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसके अंदर हम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात तो एडमिशन कैसे होगा एस सी ए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आठ महीने के लिए वेट करिए और उसके बाद में ट्रेडिंग करिए एग्जाम देने के बाद दे सकते हैं एग्जाम दीजिए फोर्टी परसेंट एवरेज मार्क्स लाइए और ये इंटरमीडिएट ग्रुप ग्रुप वन टू एक साथ भी दे सकते हैं और एक एक करके भी दे सकते हैं या एक नई बात है एग्जामेशन की एग्जामेशन एग्जाम्शन क्या होता है सपोज किसी बच्चे के सिक्सटी परसेंट मार्क्स आ गए एक पेपर में और बाकी पेपर में 60 नहीं एक में सिक्सटी आ गए सपोज एक में फिफ्टी आ गए और एक में तीन पेपर है बेचारा फेल हो गया फेल क्यों हो गया इवन दो इसके 60 और 50, 110 और 35, हो गए। गए, गए एक तो तो चाहिए चाहिए थे। Suppose, यहां पर 55 आ आ ये आउट ऑफ थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी वो तो आ गए बट इसमें थर्टी फाइव होने की वजह से बच्चा फेल हो गया लेकिन लेकिन Institute कहता है आपके साठ नंबर आ गए जो कि ट्वेल्थ में सीबीएसई बोर्ड के फाइव के, के पढ़ाई लिखाई कर लिया और ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये सब्जेक्ट आपको अगले तीन अटेम्प्ट नहीं देना है और इसे बोलते हैं पेपर आपका एग्जैम हो गया अगली बार आपको केवल दो पेपर देने और दो पेपर में आपको बचे हुए या जितने भी नंबर आ गए बाकी मिनिमम 40 40 तो लाने ही है और बाकी एडुगेट बनाने के लिए जो चाहिए तो मिनिमम 60% अगर आ जाते हैं आपके पास तो अगले तीन पेपर तक आप वो पेपर देने से छूट जाएंगे आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो आपको बचे हुए में कम से कम 40% परसेंट ओवरऑल इन नंबर को मिलाकर 50% का पेपर लाना पड़ेगा ठीक है तो ये बात आ गई सन में Self -paced online modules, ये जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है तो इन द कर इकोनॉमिकल फॉर द इंस्टीट्यूट अप्रोच फॉर डेवलपिंग अपडेटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग अकाउंटेंसी एजुकेशन एजुकेशन बोलते हैं आजकल एंड ट्रेनिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए चार्ट अकाउंटेंट मस्ट Centrally involves critical and intergenerational blah 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 बहुत कुछ बोल रखा है तो इन्होंने चार सेट बनाए हैं four self paced online module A B C D चार बनाए हैं तो इसको आपको करना पड़ेगा है ना तो ये different field से related है ये पहली बार आए हैं अभी तक हुआ नहीं है हमें नहीं मालूम बहुत ज्यादा इसके बारे में बाद में हम इसके ऊपर अलग से एक video बना देंगे जिसमें actual में हमें पता चलेगा तो हमें बहुत ही तो बहुत ज़्यादा इसके बारे। learning module study जो आएगी आएगी वो आपके पास में मतलब फोड़े बच्चे और डाउनलोड करें और इंटरनेट से पढ़े उसको फिजिकल केस ऑफ सैटेन फिजिकल कॉपी वु प्रोवाइडेड तो ए बी में मिल जाएगी क्योंकि कंपलसरली है और

उसमें आपका सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे सेट और बी में तो ये कंपलसरी है सेट सी में आपके पास इनमें से दस में से एक चूज करना है सेट डी में चार में से एक चूज है ठीक है और सिलेबस के बारे में बात करें तो सेट ए जो कॉर्पोरेट और है और बी है एक्सपेक्टेड टू एक्वायर एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए और सी डी वालों के लिए वर्किंग नॉलेज चाहिए ठीक है ये तो भैया अच्छा है उन्होंने कह दिया अबाउट एग्जामिनेशन तो असेसमेंट वुड बी ऑनलाइन बाय वे ऑफ एमसीक्यूज व्हिच वुड बी केस सिनेरियो बेस्ड फॉर सेट ए एंड बी और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो इन सी एंड डी तो ए और बी में तो केवल जो होगा केस स्टडी बेस्ड होगा जबकि सी और डी में मिक्स हो ए बी में एक्सपोनली चाहिए और इसमें भी आप ऐसे ऐसी होने वाली है अच्छे से क्योंकि ये एक्सपर्ट नॉलेज कह रहे हैं वर्क नॉलेज सीओडी में चाहिए ठीक है अब पास होने के लिए क्या चाहिए इसके अंदर स्टूडेंट हैज़ टू क्वालिफाई दीज ऑनलाइन मॉड्यूल्स फॉर रिपेयरिंग द तो फाइनल एग्जाम फाइनल एग्जाम आप दे नहीं पाएंगे तो आपके पास दो साल का टाइम मिल जाए ढाई साल का क्योंकि तो सी इंटरमीडिएट के ढाई साल बाद बल्कि वो कई बार तीन साल भी हो जाते हैं तो क्योंकि वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने में टाइम लग जाता है तीन साल तक आपको ये क्लियर करने है

तो भैया ये है हमारा पूरा हिसाब इसका डिटेल आपको दे रखा है आ, क्या क्या आएगा इसके अंदर ठीक है तो ये सब डिटेल है ये तो आप देख सकते हैं इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों का और मैं इसके बाद में सीधा फाइनल के बारे में थोड़े से सब्जेक्ट बताना है ना तो भैया काफ़ी बड़ा लिस्ट हो जाएगा ये रहा फाइनल को। वो सही समय पर आकर ये फाइनल कोर्स तो सक्सेसफुली आपने इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर कर लिया था आपको फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर करने और इसमें दो ग्रुप होंगे ग्रुप वन एंड टू और इच ग्रुप में तीन तीन पेपर हैं तो पेपर रजिस्ट्रेशन uh, प्रोसेस क्या है आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना है इसका भी और रजिस्ट्रेशन कराने uh,

अवेलेबल हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं ये अकाउंटेंसी है बेसिकली इसके अंदर मतलब आई एफ आर एस वाले नए इंड वो है सब और पुराने एस भी और तो सब कुछ है इसके अंदर ये मान के इन डी एस है दूसरा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे पहले स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानना चाहता था सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह है फंड्स और काफी अच्छा खासा

का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर अलग है इसमें जीएसटी मार्क्स का है ये आ जाएगा आपके पास कस्टम आ जाएगा और पॉलिसी इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो आपके पास कंटेंट बता रखे हैं इसके अब ये सब करने के बाद में आपको बता रखा है एडमिशन फाइनल में कैसे होगा इंटरमीडिएट के लिए क्लियर करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए फाइनल कोर्स में दो साल की ट्रेनिंग करिए छः साल का एजुकेशन के टाइम लीजिए एडवांस आईटी आई ट्रेनिंग कर लीजिए और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर कर लीजिए एग्जामिनेशन फीस जमा कराइए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराइए और फिर उसके बाद एग्जाम आप अपीयर इसमें पास होने के लिए भी मिनिमम फोर्टी सब्जेक्ट में और ओवरऑल चाहिए और इसमें भी आपको का मिलेगा तो अगर किसी में, उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और काफी अच्छे से सी ए फाउंडेशन फाइनल के बारे में पता चला होगा आप मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज कमेंट में कमेंट uh, सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको इसके बारे में uh, कैसा लगा नॉलेज हुई मिली या नहीं और और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बताइए है कि क्या पूछना चाहते हैं और अगर आपको अच्छी लगी है, तो भी बता दीजिए यस सर गुड इन्फॉर्मेशन गुड वीडियो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ अभी मैंने कुछ मदद है मैंने नॉन स्टॉप बोला है विदाउट एनी कट मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे जो मैं पढ़ाता हूँ या ये है मैं कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता हूँ मैं अनकट एक बार शुरू होता हूँ तो करता चला पढ़ाता चला तो एन कट, कट 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 मैंने करा दिया कोई एडिटिंग कुछ नहीं ठीक है भैया तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को यहाँ तक आ गए हैं तो आपने पूरी मेहनत करी है और काफी पेशेंस दिखाया है मेरे हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग चैनल है जिसको आप सर्च करके पता लगा सकते हैं तो सारी वीडियोस हैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड तो ये में आप अगर आ रहे हैं तो ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन करिए हमारे से क्लासेस के बारे में पता करिए और आपके ब्राइट uh, फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी मिनिमम टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए ठीक है जल्दी मिलेंगे तब तक आप बुराते रहिए